अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। लॉकडाउन 3 ने बढ़ाई कोविड सेंटर के मजदूरों की बेसब्री, तत्काल घर भेजने की मांग, भोजन प्रदाता भूपेश गुप्ता दिला रहे दिलासा। हम लोग का बच्चा लोग गांव में इतना परेशानी है, बहुत परेशानी है, गंभीर है। हम लोग गांव जाएंगे और खाना भी अपने ही खाएंगे। डिमांड हमारी है कि जल्द से जल्द हमें हमारे गांव छोड़। लॉकडाउन 3 की घोषणा के बाद से ही वाशी के कोविड सेंटर में फंसे इन 249 मजदूरों के सब्र का बांध टूट गया है। वे 40 दिनों से भोजन उपलब्ध करा रहे उद्यमी भूपेश गुप्ता को तो दुआएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन की बेरहमी के लिए कोसने लगे हैं। अधिकांश मजदूरों ने खाना पानी भी छोड़ दिया है और सिर्फ एक जिद में अड़े हैं कि 3 मई के बाद उन्हें हर हाल में गांव भेजने की व्यवस्था की जाए। इनकी बौखलाहट देखकर उद्यमी भूपेश गुप्ता भी बेहद दुखी हैं। उन्होंने कहा कि इनकी पीड़ा देखकर ऐसा लगता है कि अब इन्हें इनके मुलुक भेज देना चाहिए। वहीं जिलाधिकारी कार्यालय के अधिकारी आरबी बोराडे ने भरोसा दिलाया कि प्रशासन इनका ख्याल रख रहा है और राज्य सरकार से निर्देश आते ही हम इन्हें मुक्त कर देंगे। यहाँ पे लगभग 250 लोग हैं, 249 लोग हैं यहाँ पे, और हम लोग कुछ 35 दिन से सेवा दे रहे हैं। 28 मार्च से हम यहाँ को खाना वाना खिला रहे हैं इनको, दिन भर का सुबह का चाय नाश्ता, दोपहर का लंच, शाम का वापस चाय नाश्ता, रात का डिनर, और उसके अलावा हमने इनको चादरें, टॉवल, दातुन, मंजन वगैरह, टूथब्रश, साबुन, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन सब दिया है हमने इनको प्रोवाइड किया। देखिए सब इनको खाना पीना बराबर मिल रहा है, सब मिल रहा है, लेकिन बाहर तो बाहर ही है ना, परदेश ही होता है। इनको घर जाने की इच्छा है, जब से लॉकडाउन 3 का कल से ऐलान हुआ है तब से शाम से कल ये डेस्परेट ज्यादा हो गए। और फिर नोडल अधिकारी कल इनको पुलिस सीनियर साहब धुमाल साहब भी आए थे, उन्होंने इनको आश्वासन दिया कि एक दो दिन रुको, हम पास वास का अरेंजमेंट करते हैं, ट्रेन में इनको चलेगी या बस वस आती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या ऑर्डर देती है उस मुताबिक हम कोशिश करके आपको भेजेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको जल्दी से जल्दी भेज देना चाहिए, क्योंकि घर घर ही होता है और यहाँ पे कोई कोविड पेशेंट आया नहीं अभी तक, इनमें से कोई कोविड पेशेंट आया नहीं है, हम भी सेफ है, ये भी सेफ है, तो अभी इनका मतलब और आगे कुछ हो नहीं जाए इसलिए इनको भेज देना चाहिए। वाशी के इस कोविड 19 सेंटर में कर्नाटक के 61, यूपी के 70 एवं बाकी लोग महाराष्ट्र के हैं। 40 दिनों से चार दीवारी में बंद ये लोग खुद को कैदी की तरह महसूस कर रहे हैं। इन छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्ग महिलाओं को ही देख लीजिए जो हाथ जोड़कर मुलुक भेजने की गुहार लगा रहे हैं। ये एक दिन भी यहाँ अब कोविड सेंटर में रुकना नहीं चाहते। इनकी व्यथा खुद इनसे ही सुन लीजिए। खाना पानी तो मिल रहा है, लेकिन बाल बच्चे हम लोग का बहुत परेशान है कि हम लोग को जहाँ तक जितना जल्दी होता है जल्दी छोड़ दो, बहुत परेशान है सर। एक रोज फोन नहीं जाता है तो वो लोग रोने लगता है, कब आओगे घर, कब आओगे, जब यहाँ से छुट्टी मिलेगा तब तो हम लोग जा पाएगा, कौन देने वाला है पानी धानी घर। यहाँ पे लगभग 1.5 महीने से अटके हुए हैं और घर पे बच्चे लोग परेशान हैं, हम घर के गार्जियन हैं, कोई घर संभालने वाला है नहीं, यही सब दिक्कत हम लोग के सामने है। क्या कहना चाहते हो आप सरकार से? अभी घर जाना चाहते हैं सर, घर जाना चाहते हैं, बच्चे लोग छोटे छोटे हैं, कोई घर संभालने वाला नहीं है, नात बात हित दोस्त खेती बाड़ी सब कुछ अपनी जिम्मेदारी है सर, इसके लिए हम घर जाना चाहते हैं। पिताजी हैं, बूढ़े हैं, फैमिली घर से बाहर जा नहीं सकते हैं, तो सारी चीज़ें व्यवस्था लाने के लिए उन्हें दिक्कत झेलनी पड़ रही है। अगर हम भाग के पहुंच जाते हैं सिचुएशन में तो उन्हें सहायता कर सकते हैं। यहाँ पे ला के रखे गए अभी 1.25 महीने से ज़्यादा होने आए और हमारे लिए गांव जाने के लिए कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है सरकार की तरफ से। अभी हम लोग सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमें गाँव जाने की सुविधा दी जाए। पूरा फैमिली है, बस समस्या थोड़ा सा गंभीर है, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं वहाँ पे, और रीजन ये कि पैसा भी यहाँ पे अटका, तो हम इनके से यूपी वाले जा रहे हैं तो इनके साथ जाना भी चाहे तो नहीं जा सकते क्योंकि हमारा पैसा कोलैप्स हो जाएगा। जो यहाँ तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, रहने खाने की सुविधा सब कुछ है, लेकिन हम लोग गाँव जाएंगे और खाना भी अब नहीं खाएंगे। मजदूर आदमी है, हम लोग के पास पैसे नहीं, रोज कमाते थे रोज खाते थे, और अभी इस समय पैसा नहीं है। अभी यहाँ की सरकार भी बोल रही है कि अपना पैसा खर्च करके जाओ गाँव, और हमारा उत्तर प्रदेश का सरकार कोई मतलब सुनवाई नहीं कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे किसी के पास एक्चुअली पैसे नहीं है, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से है, तो किसी के पास पैसा है किसी के पास पैसा नहीं है, तो हमें
ऊपर से यानी कि गवर्नमेंट सरकार ने हमें बस के लिए भेजना चाहिए सर। दो बच्चे खाली स्कूल में थे वो लोग, और अभी वो लोग को तो अभी छोड़ दिया गया ना, तो बाजू वाले लोग देखभाल कर रहे, तो वो लोग रो रहे मम्मी तुम कब आओगे, कितने दिन इतना इधर रुकेगा, हम लोग 3 तारीख को तो खुलेगा बोला ना सब लोग, तो आप बोल रहे हो और बढ़ा दिया, ऐसे ही बढ़ते रहेगा। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग सही सलामत हम लोग हमारे बच्चे के पास पहुंचा दिया, यही हमारी दुनिया। हम लोग बोल रहे हैं हम लोग को बस करके गांव भेज दो, हम लोग का बच्चा लोग गांव में इतना परेशानी है, बहुत परेशानी है बेटा, हम लोग का बच्चा लोग स्कूल किधर किधर फेंका है, हम लोग वो लोग को कौन देखेगा, आज हम लोग इधर बैठा है, अभी बोलता है सोमवार तक आया बोलता है, सोमवार के बाद वो बोलता है 20-25 तारीख, जब तक हम लोग क्या करेगा, हम लोग खाना कौन देगा, इधर किधर रहेगा, अभी बरसात का टाइम आ गया, हमारा खेती का काम है, खेती में करेगा तो खाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।